इंडिया गो में आपका स्वागत है। आज मैं दिल्ली से कोलकाता का पूरा मेरा जो जर्नी है, मैं आज एक्चुअली घर जा रहा हूँ, तो पूरा घर जाने का जो जर्नी है पूरा रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कैसे जा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ और कैसे जा रहा हूँ, तो वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करे, और अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब बटन नीचे है, और लाइक भी कर सकते हो और आपकी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो, तो कि अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप भी वीडियो देखते हो। तो देख सकते हो अभी, ठीक है, और मैं अभी ये हैंड ग्लव्स लगा लिया, ये छेद हो गया, ये एक्चुअली फ़ोन में फ़ोन को चलाने के लिए मैंने ले लिया, और मास्क पहन लिया, मास्क तो पहनना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। और मेरे पास एक ट्रॉली बैग है, ठीक है, ट्रॉली बैग है, और एक छोटा सा एक बैग लिया जिसमें मेरा खाना वाना सब कुछ मैंने पैक कर लिया, और अभी मैंने ये बुक कर लिया, कैब बुक कर लिया उबर से, तो मैं गुड़गांव से चल रहा हूँ उबर से, उबर में गुड़गांव से मेरे को जाना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहीं पे मेरा ट्रेन टाइम है शाम को 4:25 पे, तो मैं आपको पूरा रास्ता को दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज वीडियो को आप देखते रहिए यार बिना स्किप करें। तो यहीं पे आप देख सकते हो ये टोल प्लाजा आ गया, टोल कटवाना होता है यहीं पे, तो इसलिए भैया ने रोका है इधर, ठीक है। ये आप देख रहे हो भैया ने अभी टोल दे रहा है, तो इधर का देख सकते हो अभी टोल, गुड़गांव का टोल है ये, भी टोल कटना होता है, टोल टैक्स जो होता है ना वो है। ये रोड भी देख सकते हो अभी थोड़ा खाली खाली है, क्योंकि कल दिवाली था तो आज थोड़ा सा इधर खाली खाली है। मैं अब है, मैं बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ एक बार, व्यू देखिए इधर का, क्या रोड है यार, बहुत ही मस्त है ये वाला। एक्चुअली जयपुर जो हाईवे है ना, मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली की तरफ, और मेरा बैक साइड पे जो रोड है उस साइड वाला लेन से जाना होता है, उधर जयपुर जाते हैं रोड, और गुड़गांव में जाते हैं, और भी बहुत सारी जगह जा सकते हो, पंजाबी जा सकते हो इधर से, और भी जगह जा सकते हो, ठीक है। ये देखो बाइक जा रहा है, देखो मस्त है कितना, ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा है इधर का रोड फोर्ट, सारी चीज़ें, ये हाईवे है, फ्लाईओवर से चल रहा है अभी, ठीक है। फ्लाईओवर है, और आगे मेरा लेफ्ट साइड पे एयरपोर्ट आएगा, दिल्ली एयरपोर्ट है ये, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है ये, और इधर एक देख सकते हो उमराव करके एक रिसोर्ट है, काफ़ी अच्छा है इसमें, तो मैं तो नहीं गया, बट इधर इस साइड पे एक रिसोर्ट है, उसमें मैंने गया एक बार, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैं एक शादी था, मेरा शादी का इवेंट था, मैं इवेंट भी करता हूँ आप जानते होंगे कहीं कहीं, तो उधर मैंने गया था तब, तो काफ़ी मज़ा आया था उधर, बहुत ही अच्छा है, क्या बताऊँ, अभी इस समय ना सब लोग मास्क वास्क पहन के रखे इधर, सही है हालात, और आज का मौसम भी सही है पूरा, कैसे बदल बदल जैसे, मतलब अच्छा रखा है, बारिश आने वाला जैसा ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। अभी तो ठंड भी इतना ज़्यादा नहीं है, मैं एक कपड़ा पहना बस नॉर्मली सा, एक कपड़ा पहन लिया और एक पैंट पहना जो कम्फर्टेबल रहूँ, मैं अपना ट्रेन पर जा रहा हूँ तो ट्रेन में कम्फर्टेबल होके जाना है, तो उसी हिसाब से मैं कपड़ा डाल लिया है, ठीक है। तो देख सकते हो आप कितना अच्छा है इधर का सब, और आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये जो देखो ये जो सिस्टम है ना बहुत ही अच्छा है इधर, जो ड्राइवर और मेरा ये जो पार्टीशन है जो बीच का जो है ना, ये पेपर लगा रखा है ताकि उधर का हवा इधर ना आए, इधर का हवा उधर ना जाए, इसलिए ये पार्टीशन रखा है, उधर बैक साइड में भी सेम है, बट पीछे वाला जो बैठेगा उसका कोई और नहीं है, ग्रांजी नहीं है। और ये देखिए इधर एयरपोर्ट का वाले, ये वाला दिल्ली एयरपोर्ट का,
ठीक है, काफ़ी अच्छा इधर से कभी कभी फ्लाइट भी जाता है। उस दिन मेरा एक दूसरा वीडियो डाला मैंने जो कि सरोजनी नगर के लिए, उसमें एक टाइम लैप्स उसमें है, उस वीडियो फ्लाइट जा रहा था ऊपर से, कितना अच्छा व्यू था वो वाला, आप खुद भी देख सकते हो। वो वाला वीडियो अगर आपने देखा नहीं है अभी तक तो आप चैनल पर लिंक करके देख लो, वाला वीडियो भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी मतलब VIP रोड है ये, काफ़ी अच्छा है। रास्ते पे आप नहीं देख सकते हो कहीं पे कुछ कूड़ा या कुछ गंदगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाला जो आप इधर जो दिखा रहा हो फ्लाईओवर पार करके उस तरफ, वो एयरपोर्ट जाने का रास्ता है उधर, टर्मिनल नंबर 3 में। उधर से काफ़ी बार गया मैं, घर जब गया था फ्लाइट से तब मैं उधर से बहुत बार गया, उधर टर्मिनल नंबर 3। और ये जो जा रहा है न्यू दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। मैं एक्चुअली ट्रेन से जा रहा हूँ तो इधर से जा रहा है, ठीक है। और इस तरफ मैं एक बार दिखा देता हूँ, इधर काफ़ी बड़ा बड़ा होटल है, बहुत बड़ा बड़ा होटल है, ठीक है। वर्ल्ड मार्क करके एक बनाया है अपने आए वाला, और इधर काफ़ी सारा होटल है, क्या बताऊँ आपको, बहुत सारा 5-star बहुत बड़ा बड़ा होटल है, क्योंकि फॉरेन कंट्री से आते हैं ना तो लोग यहीं पर आके रहते हैं, देख सकते हैं क्या नज़ारा है इधर। ये जो देख पा रहे हो ना उधर फ्लाईओवर की उस तरफ, और इधर से रनवे भी दिखता है, जो एयरपोर्ट का जो रनवे है ना वो भी दिखता है इधर, कभी कभी फ्लाइट जब उतरते हैं वो भी देख सकते हो इधर से। और इस तरफ देखिए ये महपालपुर है, यहीं पे इधर भी काफ़ी अच्छा अच्छा होटल है, छोटा छोटा होटल है बहुत सारा, जैसे थाईलैंड में होता है ना ऐसा ही है अभी। और क्या बताओ, इधर स्पा भी होते हैं इसके अंदर, बहुत ही स्पा है, और सारे क्रॉस वाला है इनका, अलग ही धंधा है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये एयरपोर्ट का और एक रास्ता है, इधर से भी जा सकते हो, इधर आगे होटल फिल्मा की होटल से भी जा सकते हो। क्या व्यू है यार भाई, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्त है। बहुत ही अच्छा है, और क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। ऐसे तो मज़ा तो मेरा हर बार आता है, मैं तो इधर ही रहता हूँ गुड़गांव में तो मैं इधर से आना जाना रहता है, बट अच्छा लगता है। इस रोड पे जब आते हो ना तो मज़ा आ जाता है, कोई वो नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं है, ठीक है, सिग्नल होता है ना, सिग्नल नहीं है इस रोड पे, बिल्कुल खुला खुला है, हाईवे है ना आप समझ सकते हो, तो हाईवे पे कोई वो नहीं होता है, तो बिल्कुल सीधा सीधा चलो। अगर जैम होता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा जैम हो जाता है इस रोड पर, बहुत ज़्यादा, क्या बताओ। सो मैं एक बार फंस गया था इस रोड पर, कम से कम 3 घंटा फंस गया था, एक जगह ऐसे खड़ा रहना पड़ा था, कितना लंबा लाइन था गाड़ी का। ये दिल्ली का ये बस है, आगे आ रहे हैं, DTC बोलते हैं इसको, DTC चेक करके। और इधर देखिए इनका कुछ आ रहा है, डोंट ड्राइव, मतलब ड्रिंक करके ड्राइव करने मना कर रहा है, ठीक है। उधर वाला मेट्रो है, एयरपोर्ट लाइन का मेट्रो है वाला, अभी हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं धोला कुआ, और राइट साइड पे जो रास्ता है आगे से वो बसंत कुंज, तो मे भी हम लोग अभी धोला कुआ की तरफ से चलेंगे भैया, अभी धोला कुआ से चलेंगे ना, तो अभी हम लोग धोला कुआ से चलेंगे, ठीक है। उधर से भी जा सकते हैं, क्या बोलते हैं, बसंत कुंज साइड से, बट थोड़ा रास्ता बहुत लंबा है उधर, ये वाला रूट नहीं ले रहा है, उबेर से जा रहा हूँ, तो उधर गूगल मैप में जो दिखा रहा है उधर इधर चला गया, बसंत कुंज का वो जो गाड़ी जा रहा है, उधर नहीं जाना, हमें जाना इधर ये वाला रोड पे, तो उधर थोड़ा सा लंबा रोड है ना, तो उधर से इसलिए नहीं जा रहा है, ठीक है। अब ये फ्लाईओवर ख़त्म हो रहे हैं, और रोड भी नीचे से भी रोड है इसका, जो फ्लाईओवर है इस फ्लाईओवर से नीचे से भी रोड है और ऊपर से भी है, और ऊपर तो मेट्रो भी है, देखो मेट्रो का लाइन भी आ गया है साथ साथ,
जाने से पैरेड रोड आएगा और सीधा जाएंगे तो जनकपुरी आएगा और इधर दोलाकुआ, ठीक है। तो ऊपर लिखा आ रहा था, मैं आपको बता दिया, अगर आप कभी आते हो तो घूमने के लिए, ऐसा अगर आपको रोड में घूमने का शौक है काफ़ी, आ सकते हो इधर, काफ़ी अच्छा है इधर। बाइक में भी देखो, कोई ऐसे नहीं कि जैसे बंगाल में होता है हमारा, मैं तो बंगाल से हूँ तो जैसे बंगाल में होता है ना कि एक बंदा हेलमेट पहन लिया, सामने वाला पीछे वाला नहीं पहनता, देखो दो बंदा ही हेलमेट पहना है। और जैसे क्या बताओ, बहुत स्ट्रिक्ट है इधर, बहुत ज़्यादा। इधर देखो सारे आर्मी एरिया है, सारे लेफ्ट साइड में जो दिखा रहा हूँ अभी, और इधर जाने से थोड़ा सा आगे जो मेट्रो लाइन देख रहे हो राइट साइड पर, ये मेट्रो लाइन इधर से अभी लेफ्ट साइड में था, अभी राइट साइड में हो गया, पर उसके नीचे से आ गया हम लोग अभी। तो अभी थोड़ी देर जाते ही राइट साइड पे दोलाकुआ मेट्रो स्टेशन आएगा, ठीक है। में जो है जनकपुरी के लिए जा रहा है और आगे से यूटर्न करके फिर गुरुग्राम जा सकते, और गुड़गांव जो गुरुग्राम भी बोलते हैं, और सीधा जाने से आपको इंडिया गेट मिलेगा। इंडिया गेट के लिए भी एक वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी, तो आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हो। इधर देखो ट्रैफिक पुलिस इधर चालान कट रहा है सबका, जो सीट बेल्ट नहीं पहना, मास्क नहीं पहना, उसके लिए किसी का लाइसेंस नहीं है, किसी का और कुछ नहीं है, उसी का चालान भरना पड़ रहा था, उधर खड़ा होकर कट रहा था ट्रैफिक, तो इसमें बहुत ही सख्त है, ठीक है। तो आप भी अगर कभी बाहर चल रहे हो या लोगों के अंदर जा रहे हो तो मास्क ना भूलें, सबसे पहले आप मास्क पहन लो अपना, और चाहे ग्लव्स पहन लो अपने हाथ में, ठीक है। जितना आप कर सकते हो उतना कर सकते हो। बंदर हैं, जंगल में भी बंदर हैं, और इधर देखिए ट्रैफिक क्या हो गया। अभी दिल्ली का ट्रैफिक तो खतरनाक वाला ट्रैफिक होता है, इधर बहुत खतरनाक वाला होता है। अभी ट्रैफिक इधर खत्म हो गया, सीधा चल रहा है अभी। अलग अलग वो है भवन दे रखा है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का ही है सब, तो उधर अलग अलग स्टेट का एक अलग अलग नाम से एक घर मकान बना हुआ है, जो उनका स्टेट से कोई भी मंत्री आए तो इसमें रह सके ऐसे, इसलिए। और इधर तो काफ़ी घना जंगल है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा जंगल ये जो है ना, देख सकते हो बहुत ही बनाइए। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, पहले का जो 500 रुपये का नोट था ना भैया, तो धीरे चल रहा है, पहले का जो 500 रुपये का नोट था इसमें ये वाला जो दिखता है, ये वाला चला गया अभी इधर से, ये दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला पहले का जो 500 का नोट था उसी में था, ये वाला ग्यारह मूर्ति बोलते हैं इसको,
जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए मोबाइल का जो टावर है ना, ये देखिए रोड किनारे पे ऐसे गाड़ी पे लगा रहता है, ये टावर हो गया। मतलब काफी नया नया चीज है जो हम कोलकाता में नहीं देखे। यार पी स्टेट पे अलग अलग स्टेट का एक अलग अलग होता है ना, तो इसमें ऐसे ही है। देख सकते हो मतलब काफी अच्छा एरिया है ये। रोड किनारे रोड के ऊपर जस्ट फ्लाईओवर है इधर से उधर जाने के लिए। ऐसे तो नीचे फाका है बट नीचे से सेफ भी नहीं है क्योंकि गाड़ी कभी भी आ सकता है, और दूसरी बात चलान भी हो सकता है। तो ऐसा सा वो है ना, क्या बताओ आपको, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा है दिल्ली का, देख सकते हो आप। अब इधर से राइट टर्न करेंगे, ऐसे वॉल का पेंटिंग देखिए, ये कोई वॉल है, वॉल का अलग अलग पेंटिंग करके रखे है। इधर का जो कल्चर, इधर का जो फेमस मॉन्यूमेंट हो या कुछ भी, तो उसी का ओके है। ये देखिए सिविल हॉस्पिटल होता है जो गवर्नमेंट का है, आई थिंक सबका अलाउ नहीं है। ये देख सकते हैं आप, एम्बुलेंस भी खड़ा है, आपातकालीन भी है वाला। देखिए कैसे जा रहा है लोग, बस स्टॉप है दिल्ली का ये। वैसे तो थोड़ा सा मेरे को ठंडा चेंज हो रहा है, और दिवाली था यस्टरडे, सो इसलिए इतना पोल्यूशन इधर गंदा हो जाता है ना आफ्टर दिवाली, क्या बताओ आपको, बहुत ही गंदा होता है। गवर्नमेंट ने मना करके रखे कि पटाखा वगैरह नहीं जलाना है, भजी नहीं फटाना है, फिर भी इतना फटाते हैं ना, क्या बताओ। मेरे सामने तो एक बंदा ने बंदूक निकाल के चला रहा है, मेरे सामने बोल रहा है मार मार मार, मेरे को लगा भाई मेरे को मारेगा क्या, फिर देखा नीचे जमीन पे ठोक रहा है, मेरे को इतना डर लगा था, क्या बताऊँ आपको। और इधर वाला एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, एक आप देख सकते हो, इधर से देखिए आप गुरुद्वारा है। इसको भी काफ़ी, एक बार मैंने वीडियो बनाऊंगा इसका अलग से, तो अभी तो मैं रनिंग में हूँ उसमें तो नहीं जा सकता हूँ, बट मैं आपको बाद में बना के दिखाऊँगा। भी काफी अच्छा है। और ये जो आप देख पा रहे हो इधर, ये पब्लिक जो टॉयलेट होता है वो वाला है, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। अगर ये हमारा बंगाल में होता है ना कोई बंदा बैठा रहता है साइड पे, पैसा दो फिर जाओ, पोटी करो पैसा दो फिर जाओ, ऐसा है। बट इधर ये थोड़ा सा सही लगा मुझे। ये देख सकते हैं पब्लिक का जो टॉयलेट है काफ़ी अच्छा है। ये देखिए इतना अच्छे से बना के रखा है इधर, ये कितना कबूतर देखिए इधर। इधर राइट साइड पे जो है एक मेट्रो स्टेशन है, शिवाजी स्टेडियम, इंदौर स्टेडियम मेट्रो स्टेशन आई थिंक। सो इधर थोड़ा सा ये देखिए कितना अच्छा डिस्प्ले करके रखा है ये वाला रोड साइड पे, ऑटोमेटिक वाला, ये भी काफ़ी अच्छा है। रोड भी देखिए मस्त है यार, बहुत ही मस्त है। कोई कोई जगह में जैसे कोलकाता में भी है, इधर भी है, जैसे कि
पुराना जो दिल्ली है, पुराना दिल्ली का हालात इतना सही नहीं है, मैंने देखा है। उधर का गली इतना गंदा है, क्या बताऊँ, बहुत ही गंदा है, बहुत ही कचरा है, वाली सब गंदा रहता है सब कुछ, ठीक है। और अभी अभी हम लोग आ गया ये कलर प्लेस, जो दिल्ली का कैपिटल बोल सकते हो आप। दिल्ली का अगर कनॉट प्लेस नहीं आया, सीपी नहीं आया, सीपी नहीं घुमा, तो आप दिल्ली का कुछ नहीं देखा। आप ऐसे बोल सकते हो दिल्ली का दिल है ये, तो हाँ सच में ये दिल्ली का दिल है। अगर आप सुन के हंस रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली का दिल ही बोल सकते हो आप, क्योंकि अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फेस्टिवल में, अलग अलग समय पे इसमें अलग अलग होते रहता है, इवेंट्स मेला लगता है और भी कुछ होते रहता है। और इसमें काफ़ी सारा होटल है इधर कलर प्लेस में, फूड भी है, काफ़ी अच्छा अच्छा फूड मिलेगा आपको, और भी चीज़ है, ठीक है। ये कलर प्लेस का मेन वाला पार्क है, इधर है, इधर है, ठीक है। ये एयर प्यूरीफाई के लिए भी बैठा के रखा है, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला ऊपर आप देख पा रहे हो, ये वाला एयर प्यूरीफाई होता है, क्योंकि पोल्यूशन इधर इतना ज़्यादा है ना, तो एयर प्यूरीफाई के लिए भी वो रखा है कि जो गंदा हवा है वो इसमें खींच लेगा, तो कि सही रहेगा पोल्यूशन के लिए जीना, ठीक है। और मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा अभी टाइम लगेगा, और कितना टाइम बचा है इसमें, और 6 मिनट जैसा बचा है इसमें, 6 मिनट में मैं आ जाऊंगा। मेरा जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उधर का क्या है अभी आफ्टर लॉकडाउन, और कैसा सब कुछ खुला है, नहीं खुला है, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो वीडियो का अभी तक आपने अगर देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो, और लाइक या लाइक कर दो जल्दी फटाफट, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये भी कितना अच्छा है पब्लिक टॉयलेट इधर का। ये देखिए फूल का एक शॉप है इधर इस साइड पे, स्ट्रेट एंट्री रोड आगे है इधर, स्ट्रेट का बहुत सारा दुकान है, बंद है, पता नहीं क्यों, संडे में शायद खुला रहता है, ये संडे में बंद रहता है क्या इधर सिटी वाला शॉप, छुट्टी रहता है ना, अच्छा 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 आज थोड़ा इधर पूजा है शायद, कौन सा पूजा है ये, अच्छा गुरु नानक जयंती करके है, तो इसलिए सारे शॉप बंद करके रखे हैं, नहीं तो ये पे इतना होता है ना, फिर भी देखिए जैम देखे रास्ते पे, बहुत ज़्यादा जैम है इधर। देख सकते हो कितना जाम है, यहीं से हम लोग लेफ्ट लेंगे, अभी बाई तरफ जाना है अभी, ठीक है। ये वाला कौन सा फ्लेवर है भैया, हाँ जी, अच्छा ये वाला रेलवे स्टेशन का फ्लेवर है, अभी देखिए कितना अच्छा है इधर का, मैं बहुत सारा मूवी में भी देखा होगा ये वाला, इसका नाम है एक मेरे को याद नहीं आ रहा है, आपको अगर पता है इसका नाम तो कमेंट करके बताइए इसका क्या नाम है, ठीक है। फिर से लेफ्ट ले लिया, और अभी ये ऊपर आ गया, देखिए ऊपर लिखा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन प्रवेश मार्ग, लेफ्ट साइड ऊपर देखिए ये आ गया, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को लेफ्ट साइड जाना है अभी, ये देखिए सब लोग जा रहे हैं अभी, इधर भी एंट्री के लिए भी वो लगता है,
अभी हम लोग अभी मैं आ गया रेलवे स्टेशन और मैं आपको आगे का दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अगली पार्ट के लिए दूसरा मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच अभी तक देखने के लिए। दूसरा वीडियो में मिलता हूँ।